नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। पिछले दिनों भाजपा के कुछ पार्षद और कार्यकर्ता अंबाला उपायुक्त के पास नगर निगम में लोगों का कार्य न होने और अधिकारियों के जगह पर न मिलने की शिकायत को लेकर पहुंचे थे। इसको लेकर उपायुक्त अंबाला ने SDM अंबाला को जांच के लिए कहा था। इसी के चलते SDM अंबाला ने नगर निगम का औचक निरीक्षण किया। इसमें लोगों को आ रही समस्या को सुना और अधिकारियों को लोगों के कार्य समय पर करने के दिशा निर्देश दिए। अधिक जानकारी देते हुए SDM हितेश कुमार ने बताया कि NDC को लेकर आम जनता को काफी समस्या हो रही है, जिसका एक कारण स्टाफ की कमी है। उसके लिए अधिकारियों को जगह पर बैठकर लोगों की समस्या को हल करने के दिशा निर्देश दिए हैं। वहीं निगम में अपने काम करवाने आए लोगों ने अंबाला SDM का धन्यवाद करते हुए कहा कि SDM ने उनकी समस्याओं को ढंग से सुना और कर्मचारियों को काम करने के दिशा निर्देश दिए, पर उनके निर्देश के बावजूद कर्मचारियों ने काम नहीं किया। अंबाला से हमारे विशेष संवाददाता सुरेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। से मिले हैं, बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने हमारी समस्या को सुना और उसके बावजूद 27/5 की मेरी NDC के लिए एप्लीकेशन दी हुई है, जबकि उसी प्रॉपर्टी की मैं पहले NDC ले चुका हूँ 10,440 रुपये जमा करा करके, लेकिन आज तक एक महीने से ऊपर होने के बावजूद भी फर्स्ट लेवल से मेरी NDC नहीं निकली। आज SDM साहब जब यहाँ आए, उनसे मिले, उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से, वहाँ सीट पे कोई इम्प्लाइज नहीं था, लेकिन एक अमन जी नाम के लड़का बैठा था, उनको कहा कि ये सारी इंक्वायरी करके बताओ कि क्यों नहीं निकल रही है, और उनको पूछा कि कितने पीरियड में ये होनी चाहिए थी, लेकिन वो भी कोई संतुष्ट जवाब नहीं दे सके। लेकिन उनके जाने के बाद मैं अमन जी के पास खड़ा रहा, उन्होंने बिल्कुल कोई परवाह नहीं करी, खोल के केस को देखा तक नहीं। अब कहते पहले भी समस्या आती रहती है नगर निगम में, NDC से तो रिलेटेड इतनी ज़बरदस्त समस्या है कि सिर्फ अप्रोजी लोगों के काम हो रहे हैं। 10 तरीक की हो चुकी है NDC, 10/6 की, और मेरी 27/5 की पेंडिंग पड़ी है। बताइए, काफ़ी कंप्लेन आ रही थी लोगों की भी मेरे ऑफिस में कि NDC और टैक्सेशन को लेकर थोड़ा सा इशू है, एंड बाद में बार बार जो यहाँ के पार्षद हैं वो भी DC सर के सामने आए थे कुछ शिकायत लेके पिछले सप्ताह, तो सर के आदेश के अनुसार के एक बार जाके देख लो कि क्या चीज़ें हैं। तो मैं ऐसे कमिश्नर साहब से मिलकर डिस्कस करना चाह रहा था कि मैंने इशू क्या है, किस वजह से इशू आ रहा है। तो अभी कमिश्नर सर तो छुट्टी पे हैं, लेकिन DMC साहब से मेरा सारे चीज़ डिस्कस हुआ, फिर अभी हमने ऑफिस में जाके भी देखा। तो मेनली जो इशू है वो NDC की पेंडेंसी को लेके है, और उसमें मेन रीज़न है वो स्टाफ थोड़ा सा अभी नहीं है। एक स्टाफ नया लगाया गया है, वो उसको अभी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, तो उसकी ट्रेनिंग हो रही है। एंड एट द सेम टाइम अभी जैसे ट्रेनिंग पे गया हुआ है और आज छुट्टी पे है, तो इसलिए जनता को थोड़ा सा प्रॉब्लम ज़्यादा फेस हो रही है और पेंडेंसी बढ़ती जा रही है। उसके समाधान के लिए सुझाव दिया गया है कि उसका एक टाइमिंग फिक्स कर दिया जाए बैठने का, ताकि जब भी आम जनता है तो वहाँ पर कोई ऑफिसर मिले, और चाहे अगर उसमें कुछ ऑब्जेक्शन भी है तो उसको बताया जाए कि भाई ये ऑब्जेक्शन है, इसलिए इतना समय लग रहा है। एक कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन भी चल रहा है। एक जो दूसरी पेंडेंसी थी वो टैक्सेशन को लेके थी, तो उसमें भी यही इंस्ट्रक्शन दिए गए कि टाइमली उसको निकाला जाए। एक जो वजह आई थी वो कहीं साइड पर टेक्निकल ग्लिच की वजह से आ रही है, तो वो विद इन 2-3 डेज में सॉल्व हो जाएगी। वो नॉट ओनली इन अम्बाला, मतलब थ्रू आउट द हरियाणा उसका इशू है। तो जो ये 3 मेजर वजह थी, जिसमें मोस्टली स्टाफ का ही, एक तो नया स्टाफ और स्टाफ की कमी जो मेन फैक्टर निकले हैं, तो वो विद इन दिस वीक में इस चीज़ को सॉल्व कर दिया जाएगा। अभी जैसे स्टाफ आ गया है तो उसको बग के बारे में भी पता चल गया है, तो विद इन दिस वीक में मैं उम्मीद करता हूँ कि NDC की जो पेंडेंसी वो कम हो जाएगी और आम जनता को परेशानी नहीं हो। लोगों को टाइम लिमिट सेट नहीं है किसी भी काम की, जहाँ चक्कर लगाने पड़ते हैं। ओके, अभी इस चीज़ के लिए जैसे मैं अभी रिपोर्ट सबमिट करूँगा, तो उसमें ये सुझाव दिया गया है कि एक सिटीजन पोर्टल की तरह यहाँ पे एक बोर्ड लगा दिया जाए कि इतने ये सर्विसेज आपको विद इन दिस टाइम में कंप्लीट हो जाएगी, अनलेस उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अगर कोई जेन्युइन ऑब्जेक्शन आता है तो ऑब्वियसली वो फिर वेरिफिकेशन में टाइम लगता है, लेकिन अगर सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं तो विद इन जैसे 2-3 डेज विद इन 1 वीक ये सर्विस कंप्लीट कर दी जाएगी। ओके, एक जैसे बता रहे हैं DMC साहब, CFC एक सेंटर है यहाँ पे, तो उसमें पूरी हमेशा ऑपरेटर्स बैठे रहते हैं डिफरेंट टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, और वो कभी भी ऑफिस टाइम में आके कोई भी आम जनता उनसे पूछ सकता है कि भाई इसमें कितना क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, तो एक टाइप से हेल्पलाइन की तरह ही वर्क कर रही है। हाउ पर अगर जरूरत पड़ती हो तो एक पर्सनल अलग से हेल्पलाइन भी स्टार्ट कर रहा है।
हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।